पुरुष अगर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो रहा है तो इसका मतलब है, क्रोधित कौन होता है? जो कमजोर लोग होते हैं उनको क्रोध ज्यादा आता है, ध्यान रखना। ताकतवर लोगों को क्रोध नहीं आएगा कभी भी जीवन में, ध्यान रखना। जो लोग कमजोर होते हैं उनको क्रोध आता है, फिजूल का क्रोध, आप जरा जरा से चीजों पर क्रोध, जो जिन चीजों को सोल्यूशन से करा जा सकता है उस पर भी वो क्रोध करेंगे। वो लोग बहुत कमजोर लोग माने गए हैं, क्योंकि धैर्य के लिए तो ताकत चाहिए, सहने में तो ताकत की तक आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत बड़ी बात है। यहां जहर रुका हुआ है, यहां नहीं गया। इसका दर्शन क्या है कि गृहस्थी चलाने के लिए पुरुष को दुनिया भर के कार्य करने पड़ते हैं, कभी बाजार में, कभी नौकरी में, किसी की सुननी है, क्या करनी है, लेकिन ये सब यही रोको, हृदय तक मत ले जाओ, क्योंकि गृहस्थी में काम नहीं आएगा ये। अपने घर में तो पापा बनकर जाओ, बच्चों के पति बनकर जाओ, अपनी पत्नी के बेटा बनकर जाओ, अपने माता पिता के भाई बन के जाओ, अपनी बहन के अधिकारी बन के मत जाओ अपने घर में। और स्त्रियों को भी चाहिए कि जब श्रीमान जी आ रहे हैं तो उनसे उतनी बात करें, ना कि सुबह से लेकर शाम तक की पूरी पिक्चर चाय के साथ परोस दी जाए, आज ये हुआ, आज वो हुआ। ऐसी स्त्रियां वास्तव में अपने घर की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, और वो पुरुष जो बाहर की चीजों को घर में ला रहे हैं वो अपने घर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अरे अपनी जिंदगी जियो, बाहर की चीज बाहर छोड़ो, ये तो सब हो गई, रोक लोगे क्या? घर है, चार बर्तन है, खटकेंगे, सब होगा, आप क्या कर लोगे? ये तो रोज ही होना है, तो रोज तुम अपना मूड खराब करके बेवकूफी क्यों कर रहे हो? बल्कि उल्टा बोलो, आज चाय पियो बढ़िया वाली, क्यों? आज तो ऐसी डांट लगाई है माजी ने मेरी कि मजा आ गया, लो उसको उत्सव में ले जाओ, काय को टेंशन लेना, लेना तो है तो ऐसे ले लो, लो जी एक रस को और खाओ इसके साथ में, आपके पास है, आप चीजों को कैसे करेंगे, ये आपके साथ है, ये आपका मन है, जैसा आप डिजाइन करेंगे वैसा हो जाएगा। शिव का साधन बैल है और पार्वती शक्ति का साधन सिंह है। सोचिए, बैल और सिंह की कोई मित्रता है, फिर भी गृहस्थी चल रही है। बेटे का वाहन मोर है, एक बेटे का वाहन चूहा है, चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, बैल को सिंह खाता है। इस पूरे परिवार में कोई भी किसी के भी गुण नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी सब एक है, मतलब श्रद्धा और विश्वास इसलिए एक है। ये होगा तो परिवार चलेगा, ये होगा तो जीवन चलेगा, यही होना बहुत जरूरी है, और यही लोगों के घर में नहीं है। आधे से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर रही है क्योंकि पड़ोसी के यहां नया नया फ्रिज आया है, पहले छोटा था, बड़ा हो गया, हमारा अभी तक छोटा है। वो ठंडे का आनंद ले रहा है और हम गर्मा गर्म दिमाग अपना करे बैठे रात भर। आप दूसरों की चीजों को देखकर अपनी जिंदगी को बेकार कर रहे हो। अरे जो मिला है उसमें उत्सव मनाइए, औरों के पास तो वो भी नहीं है। काश इंसान इस बात को जान और सीख ले तो आनंद हो जाएगा, लेकिन कोई समझना और जानना नहीं चाहता। अपने पास क्या है उसका उत्सव नहीं मना रहे हैं, लेकिन दूसरे के पास आ गया उसका दुख है, और ये समझना जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों, तुलसी लिख रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। दूसरा दर्शन यहां पर जो देखने का समझने का है कि सती के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो, इसलिए ये कथा है, इसलिए ये कथा है। कथा के पीछे का दर्शन ये है कि हमारे साथ ना हो जाए। जनरली व्यक्ति सुन लिया बस ठीक है, हाँ सुनना था तो सुन लिया, अरे जीवन में उतारिए, वरना सुनने के लिए भी आपके 3-4 घंटे लग रहे हैं, क्यों लगा रहे हो? आराम से सो, बढ़िया आनंद से ठंड आई, लेकिन अगर जीवन में जो सुन रहे हैं उसके चिंतन नहीं किया तो जीवन कैसा? ये बहुत आवश्यक है। आज परिवारों के टूटने के पीछे एक ही दर्शन है, अहंकार। कोई छोटा होना नहीं चाहता, सब बड़े होना चाहते हैं,
जो सबसे छोटा है ना वो भी कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। समझ, कोई झुकना नहीं चाहता। और जब सभी तने रहेंगे तो फिर चलेगा कैसे? और यही समस्या है। प्राचीन मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में आप जाएंगे, जैसे ज्योतिर्लिंग आदि इत्यादि में जाएंगे, तो जो मुख्य मंडप है जहां भगवान बैठे हैं उसका दरवाजा बहुत छोटा होता है, इसलिए कि कम से कम वहां तो झुककर प्रवेश करो, बाकी जगह तो तुम अकड़े ही खड़े हो। वहां तो तुम झुककर प्रवेश करो, अपने अहंकार को नीचे करके प्रवेश करो। वो तो ये तो भोले बाबा है तो थोड़ा सा झुका रहे थे, वहां माई ने तो लेटा के अंदर प्रवेश करवाया था, अब दरवाजा बन गया। वो तो कहती रेंग रेंग के आओ तुम ऐसी लायक हो वैष्णो देवी, अब तो खैर दर्शन। तो दर्शन की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है कि परिवारों को साधिए, अपने लिए मत जियो। अगर आप औरों में खुशी देखेंगे अपनी, तो आप स्वतः खुश रहोगे, स्वतः। हम जब सुबह साधु सेवा करते हैं तो यही प्लान होता है कि आज क्या बांटना है। हाँ, खरबूजा मीठा आ रहा है, खरबूजा ले आओ, फ्रूटी ले आओ, उनको फ्रूटी अच्छी लगेगी, ककड़ी अच्छी लगेगी, उनको केला अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको भी तो वही अच्छा लग रहा है इस समय, तो भले ही हम नहीं खाए लेकिन खिलाने से, उनको भोग लगाने से इतनी तृप्ति मिलती है जो खाने से भी नहीं मिलती। तो ये जीवन में समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हो। आज हमने देखा, तो जब मैं हो गया तो पीछे एक बाबा खड़ा था, जो वो फ्रूटी जब मिली तो फ्रूटी पी रहा था, तो बोला अच्छी तो है पर ठंडी कम है। अब अच्छी है तो वो इतने से दो सिप में तो वो खत्म हो जाती है, तो विचार किया कि कल उनको 600-600 ml की बोतल ही बांट देंगे, लो एक बार में पूरी पियो, आनंद बटेगा। कल के भंडारे में सीधे फ्रूटी की बोतल ही पियो, तो एक एक आनंद आता है जब कोई प्रेम से भोग लगाता है, खुशी मिलती है। और ये इस खुशी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये खुशी उन सब की है जो लोग फोन कर करके कहते हैं कि आज का भंडारा हमारी तरफ से, आज का भंडारा हमारी तरफ से। विचार करो वो कितने कितने महान दिल वाले होंगे जो न जाने किस किस कोने में बैठे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो कार्य हो रहा है इसमें हम भी एक बूंद बन जाए इस दरिया में। और बूंद जब दरिया में गिरती है तो बूंद नहीं रहती, वो भी दरिया बन जाती है, वो भी दरिया बन जाती है। तो अपने जीवन को जीने के लिए आप अपनी खुशियों के लिए मत करो, दूसरों की खुशियों के लिए जियो। आपको जो खुशी मिलेगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप गौ माता, सुबह जब गौ माता को हम भोग लगाते हैं तो कुछ गौ माता केला खाती है, कुछ रोटी खाती है, कुछ खरबूजा भी खाती है। तो जब खरबूजा उनको देते हैं तो कुछ खा लेती हैं, और कुछ के आगे लेते हैं तो कर लेती हैं, अरे इनको अच्छा केला खा लो, तुम भी केला खा लो, तुमको जो पसंद आए तुम खाओ, लो तुम ककड़ी खाओ, तुम खीरा खाओ, तुम कुछ तो खाओ, कृपा तो करो हमारे ऊपर। तो वो कृपा करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उनसे बातें करो ना, उस आनंद को जियो, उस कृपा को आत्मसात करो, और फिर देखो कि उन उनकी खुशी जब वो खा रही है, चबा रही है गौ माता, तो आपको देखो कितना अच्छा लगता है। खाने में अच्छा नहीं लगता, खिलाने में अच्छा लगता है, पाने में अच्छा नहीं लगता, बांटने में अच्छा लगता। ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें बांटने में, खिलाने में, लुटाने में आनंद आने लगे, समझ लेना तुम गोविंद के प्यारे हो गए। समझ लेना,
क्योंकि जिंदगी में भगवान से मांगो तो एक ही चीज मांगो कि भगवान मेरा हाथ ऐसे रखना, कभी ऐसे मत होने देना, हमेशा हमारा हाथ ऐसे रहे, देती हुई मुद्रा में रहे, लेती मुद्रा में नहीं रहे। तब तो जीवन का दर्शन है, जीवन का सही दर्शन तो वही है।